बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्टनरशिप फॉर्मेशन से रिलेटेड है। अच्छा, पार्टनरशिप फॉर्मेशन के अंदर नॉर्मली टू सिचुएशंस होती हैं। एक होता है इंडिविजुअल फॉर्मेशन और एक आपके पास बिजनेस मर्जर्स कहलाता है। अच्छा, इंडिविजुअल फॉर्मेशन और बिजनेस मर्जर में क्या फर्क है? इंडिविजुअल फॉर्मेशन के अंदर दो इंडिविजुअल लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर और नॉर्मली एसेट्स इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, बट देर इज नो क्वेश्चन ऑफ लाइबिलिटीज, क्योंकि एक इंडिविजुअल अपने घर से जो चीजें लेकर आ रहा है दैट इज एसेट्स। इट मे ईदर बी कैश, फर्नीचर, इक्विपमेंट, मशीन्स, बिल्डिंग्स। बिजनेस फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है कि दो एक बिजनेसेस हैं जो दे वर कैरिंग आउट देयर बिजनेस और दे हैव डिसाइडेड टू मर्ज देयर बिजनेस। इसको नॉर्मली बिजनेस मर्जर भी कहा जाता है। सो बिजनेस मर्जर के केस के अंदर क्या होगा, दोनों बिजनेस यानी कि ए एंड बी, अगर दो बिजनेस ए कंपनी एंड बी कंपनी दे हैव डिसाइडेड टू मर्ज देयर बिजनेस, तो उसको हम कहते हैं बिजनेस मर्जर। इन दोनों की अकाउंटिंग किस तरीके से होगी इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। बिजनेस मर्जर में नॉर्मली होता क्या है कि दोनों कंपनीज एसेट्स ला रहे होते हैं लेकिन साथ में लाइबिलिटीज भी लेकर आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनके एसेट्स और लाइबिलिटीज को हम अकोमोडेट करेंगे यानी कि एक तीसरे बिजनेस के अंदर इनको अकाउंट फॉर करेंगे। चल एज अ क्वेश्चन देखते हैं कि ऑन फरवरी 2014 हमसा फहद एंड वसीम फॉर्म्ड अ पार्टनरशिप अंडर द नेम ऑफ HFW ब्रदर्स एंड एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:2:3, दैट इज द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो हमारे पास दे दिया गया। द रेशियो इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर एज पर एग्रीमेंट। द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शेल बी 10,80,000। ये टोटल कैपिटल हमें दे दिया गया। हमसा कंट्रीब्यूटेड कैश एंड मशीनरी, फहद कंट्रीब्यूटेड फर्नीचर 2 लाख एंड सफिशियंट कैश फॉर द बैलेंस एंड कंट्रीब्यूटेड एंड वसीम कंट्रीब्यूटेड सफिशियंट कैश। सर अब मुझे करना क्या है, सबसे पहले तो मुझे याद रखिएगा फॉर्मेशन का क्वेश्चन करने के लिए इंडिविजुअल पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट पता होनी चाहिए कि हर पार्टनर कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेगा। सो इट मीन्स पहले मुझे हमजा की जो है इन्वेस्टमेंट पता होनी चाहिए। सर हमजा कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेगा, फहद कितना करेगा एंड वसीम कितना करेगा, उसके लिए मुझे यहाँ पे हिंट दे दी गई, दैट इज द टोटल कैपिटल। अब इस टोटल कैपिटल के बेसिस के ऊपर यानी कि हम रेशियोज अप्लाई करेंगे और ये देखेंगे कि हमजा, फहद और वसीम का कितना अमाउंट बनता है। तो आए जरा देखते हैं हमजा। हमजा के अंदर हमारे पास यहाँ पर टोटल कैपिटल कितना है फर्म का, दैट इज 10,80,000 एंड अकॉर्डिंग टू द रेशियो हमजा का जो रेशियो दैट इज 1/6, दैट इज द टोटल रेशियो। सो 10,80,000 डिवाइडेड बाय 6। वन लैख एट्टी थाउजेंड ये आपके पास हमजा का कैपिटल आ गया। फिर इसके बाद हमजा के बाद आ रहा है फहद। फहद का कैपिटल कितना होगा, 10,80,000 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 6। सो 10,80,000 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 6, दैट इज 3,60,000। और इसी तरीके से आपके पास लास्ट है वसीम, 10,80,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 6। 10,80,000 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड डिवाइडेड बाय 6, 5,40,000। ये आपके पास यहाँ पर क्या हो गया, तीनों पार्टनर्स का कैपिटल पता चल गया। अब हमजा का देख लेते हैं, हमजा क्या लेकर आ रहा है। हमजा 60,000 कैश एंड मशीनरी 1,20,000। इसका मतलब कंप्लीट यानी कि 1,80,000 लेकर आ रहा है। तो हम यहाँ पे पहली एंट्री रिक्वायर्ड पूरी करते हैं, एंट्री प्रिपेयर करेंगे, कैश डेबिट 60,000 एंड मशीन डेबिट 1,20,000 से, और इसी तरीके से कैपिटल ऑफ हमजा इज क्रेडिटेड बाय 1,80,000। ठीक है, पहली एंट्री बन गई। दूसरी एंट्री फहद की इन्वेस्टमेंट एंट्री बनेगी। फहद कंट्रीब्यूट कर रहा है फर्नीचर, सो फर्नीचर डेबिट हो जाएगा और फर्नीचर डेबिट होगा कितने से, 2 लाख से, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट की है। एंड सेकेंडली फर्नीचर के बाद कह रहे हैं सफिशियंट कैश फॉर द बैलेंस। अब सफिशियंट कैश का मतलब क्या है कि कैश कितना इन्वेस्ट करेगा, फहद का कैपिटल कितना है 360, 360 से 2 लाख इसने फर्नीचर में इन्वेस्ट कर दिया यानी कि रिमेनिंग 1,60,000 जो है वो कैश में इन्वेस्ट करेगा। तो कैपिटल ऑफ फहद इज क्रेडिटेड विथ 3,60,000। ये सेकेंड एंट्री बना ली। थर्ड एंट्री देखते हैं जरा क्या हमारे पास। थर्ड एंट्री वसीम ने क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया, सफिशियंट कि वसीम का जितना भी कैपिटल है वो कैश में लेकर आ गया। वसीम का कैपिटल कितना है, 5,40,000। सो कैश डेबिट हो जाएगा 5,40,000 एंड कैपिटल वसीम क्रेडिट हो जाएगा 5,40,000। ये हमने आप इसके अंदर एंट्री बना दी। तीनों पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट की एंट्री बन गई, पहली रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। अब दूसरी रिक्वायरमेंट करते हैं, बैलेंस शीट बनानी है। और बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करेंगे, बैलेंस शीट सिंपल है।
एसेट साइड आएंगे, हमारे पास कंपनी का नाम आएगा ऊपर। अब एसेट साइड, एसेट्स हमारे पास क्या है, कैश है नंबर वन। अगर मैं एसेट्स काउंट करूँ कैश, नंबर टू मशीन, थर्ड फर्नीचर। कैश में काउंट कर चुका हूँ तो तीन एसेट्स हैं, कैश मशीन एंड फर्नीचर। कैश मशीन एंड फर्नीचर, कैश हमारे पास कितना है, 60,000 प्लस 160 प्लस 540, 60,000 प्लस 160 प्लस 540, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 600 एंड 760 आई गेस। 540 प्लस 160 प्लस 60, तो 7,60,000 ये हमारे पास क्या हो गया, दैट इज कैश। और मशीन कितनी है हमारे पास, मशीन है 1,20,000 की, एंड फर्नीचर की वैल्यू है दैट इज 2 लाख। जो और कोई एसेट हमारे पास है नहीं, तो 760 प्लस 120 प्लस 200, तो 10,80,000 ये आपके पास टोटल एसेट्स आ गए। चल अब चलते हैं जरा बैलेंस शीट की दूसरी साइड पे, इक्विटी साइड। लायबिलिटी कोई भी नहीं है तो डायरेक्ट इक्विटी आएगी। और तीन ओनर्स हमारे पास, फहद एंड वसीम। तो हमजा, फहद एंड वसीम तीनों के कैपिटल बैलेंसेस हमारे पास आएंगे। और तीनों का कैपिटल बैलेंस हमारे पास कितना कितना है हमारे पास, 1,360,40, 1,80,360 एंड 540, तो टोटल आपके पास हो जाएगा कितना, 1,80,000, दैट इज टोटल इक्विटीज। तो ये हमने पार्टनरशिप फॉर्मेशन का क्वेश्चन कंप्लीट किया।